हेलो एवरीवन, जेई मेंस PYQ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें ग्लूकोज डाला गया है पानी में, पानी का क्वांटिटी दिया हुआ है, ग्लूकोज का दिया हुआ है, वेपर प्रेशर पूछा है। अब वेपर प्रेशर का अपने पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट अपने को पता है, रिलेटिव लोइंग वाला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि जब पानी प्योर होगा तो हम लोग मान लेंगे कि कितना होता है, पी नॉट 760, 1 atm 760 टॉर होता है। ठीक है, तो यूनिट्स यूनिट्स गैसीय स्टेट में प्रेशर का बहुत सारा पढ़े थे हम लोग, 1 atm 1760 होता है। तो बेसिकली अपने को पी बताना है, तो जब भी कोई सॉल्यूट डालते हैं, है ना, तो ये सॉल्यूट हो गया ना एक तरह का, तो रिलेटिव लोअरिंग होता है। हम लोग को पता है कि सॉल्यूट डालने पर रिलेटिव लोअरिंग होता है। कोई बोलेगा सर यहाँ पे हेनरी लॉ यूज़ कर सकते क्या? नहीं, हेनरी लॉ गैस इन लिक्विड के लिए था, यहाँ गैस तो है नहीं। क्या रॉल्स लॉ यूज़ कर सकते? नहीं, रॉल्स लॉ होता है दो लिक्विड, कम से कम दो लिक्विड होना चाहिए और वो उड़ सके, वोलाटाइल लिक्विड होना चाहिए, है ना, ग्लूकोज तो उड़ेगा नहीं। तो ये सारा नहीं लग सकता, सिर्फ वही वाला लग सकता है कि सॉल्यूट एक पानी में डुबाया गया और सॉल्यूट जो है कुछ सरफेस को कैप्चर कर लेगा तो प्रेशर कम आएगा। तो 760 से कम आएगा थोड़ा सा आंसर, है ना, थोड़ा सा कम तो आएगा। तो लग रहा है कि बी और सी हो सकता है। ठीक है, तो 50-50 अप्रोच से थोड़ा आइडिया ये लगा कि ये दोनों तो लग रहा है बकवास है, है ना। तो अपना रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फेमस फॉर्मूला, पी नॉट माइनस पी जो फाइनल प्रेशर है बाय फाइनल प्रेशर इज N2/N1। ये बिना अप्रोक्सीमेशन गया, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है इसमें। N2 सॉल्यूट होता है, यहाँ पे N2 कौन है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 180। यहाँ पे गिवन मास कितना है, 18। तो मोल्स कितना बोल सकते हैं, 18/180, जो कि 1/10 आ रहा है। ठीक है, वैसे ही वाटर दिया हुआ है ना, और वाटर के साथ जो नंबर एसोसिएटेड है वो उतना अच्छा दिख तो नहीं रहा है। तो वाटर का गिवन मास इतना है और मोलर मास कितना है, मोलर मास 18 होता है। तो ये अपना हो गया N1, ये अपना हो गया N2। तो N2/N1 साइड में करना है, साइड में कर सकते हैं, ऐसा कुछ आ रहा है, डिवाइड बाई 18, 18 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ कुछ आ रहा है। अब ऑप्शंस जो है, दो ऑप्शंस है, दोनों क्लोज है, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा काम आ पाएगा यहाँ। ठीक है, तो इसको तोड़ लेते हैं थोड़ा, पी नॉट बाई पी, पी नॉट अपना 760 है, तो 760 डिवाइड बाई पी माइनस 1, पी बाई पी 1 होता है, इजिकल टू N2/N1, है ना, जो भी अपना नंबर आ रहा है 18/10 × 170, 1782। तो 760/P होगा प्लस 1, इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, कोई चारा तो है नहीं अपने पास, कुछ तो करना ही पड़ेगा, 9/891 प्लस 1, तो 891 प्लस 9 इज इक्वल टू 900/891। तो P कितना आएगा यहाँ से, P इज इक्वल टू 760 के साथ 891 मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमेटर यहाँ न्यूमरेटर में, 900 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो उतना ख़राब भी नहीं दिख रहा है, कम से कम अब ऐसा लग रहा है 9 से डिवाइड कीजिए और आंसर ले आइए। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कुछ कट रहा है क्या? अगर कट रहा है तो मज़ा ही आ जाए, तो लग तो रहा है कट रहा है, 9, 9 9 जाए 81 899, तो 76 × 99/10 इज द आंसर। ठीक है, तो 99 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में, 76 को 99 से, इतना करना पड़ेगा जी में, कुछ ऑप्शन नहीं अपने पास, दो ऑप्शन क्लोज दिख रहे हैं, 69 जाए 54। ठीक है, 4 आते साथ ऐसा लग रहा है कि बी और सी में बी ज़्यादा प्रोबेबल है। ठीक है, किसी को यूनिट डिजिट चेकिंग आता है तो उसको समझ में आ रहा है कि एक पॉइंट आएगा, 69 जाए 54 होगा तो ये आंसर होगा। इतने में अपन बी ऑप्शन मार के चल जाएंगे, और कोई बेचारा डरा हुआ है तो पूरा करेगा, 69 जाए 72 और 5 77। 9 से फिर से वही होगा, 4 आ गया, 8 15 7 9 69 जो 54, हाथ में 5 7 9 जो 63, यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, 68 68। देखे, इसलिए ब्रेन खुला होना चाहिए एग्जाम इन्वायरमेंट में, क्योंकि गड़बड़ किसी के साथ भी हो सकता है। 15 7 5 2 4 आ गया।
ठीक है, तो एक नज़र ऑप्शंस में होना चाहिए, यूनिट डिजिट में होना चाहिए कि फोर तो आ ही रहा है, एक बात तो कंफर्म है, 69 जा 54 है। ठीक है, ओके, बाय एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।